नमस्कार स्मिता रोसई को आपण मानक स्वागत। आज मु फेणी बा खजा बनेबे। ए फेणी को मुटे के यूनिक बनाऊँ ताहले चालंतु बनेबा स्टार्ट करिबा। प्रथमे मु हाफ के जी मैदा को 250 ग्राम करके अलग अलग करके रखी नहीं ची। प्रथमे हम बिना कलर वाला 250 ग्राम मैदा को चकटी नवा। से मु मैदा को प्रथम खास्ता कर नौ फास्ट एथिरे 2 पिंच लुण को दे दौची। तापर 4-5 चामच रिफाइन तेल को देकी मैदा को भल भाव गोल खास्ता कर नौ। देखु मैदा को एमती हाथ में मुठा कले जदि मुठा हो जाए जानवे कि ये भल भाव खास्ता हो जाए। तो ये अल्प अल्प पा दे कि यार गोटे डो प्रस्तुत कर नवा। याकु बेसी टाण किंबा बेसी नरम करके चकटिबे नी। रुटी पाई आपण जेमिति अटा चकटुचंती ताठारु टिके नरम करके चकटि नेबे ताहेले आपणको फेणी क्रिस्पी हबो। एठी देखंतु मु याकु बेसी टाण कि नरम करके चकटिनी एमिति चकटिचि। ए चकटा को एबे साइड करके रखि दबा एवं रखिथिबा आउ 250 ग्राम मैदा को वर्तमान चकटि नबा। एथिरे मध्ये 2 पिंच लुण को दे दबा 4-5 चमच रिफाइन तेल को दे दबा। तापरे आपको हाथ में भल भाव गोल आर खास्ता बन नवा। मैदा एवं भल भाव खास्ता हो गला। तो बर्तमान एथिरे हाफ चमच ऑरेंज रेड फूड कलर को दे देदेवी अल्प अल्प पा दे कि मैदा सहित तो फूड कलर को भल भाव मिक्स कर नौ। से सेम प्रोसेस रे कलर वाला मैदा चकटा को रेडी कर नहीं। तो वर्तमान जीवा नेक्स्ट प्रोसेस को। ये मु दुईटी जाक मैदा चकटा को रखिदे बेलवापी। तो ताप प्रथम मैदार गोटे पेस्ट तैयार करनावा। ये गोटे जगार मु 5-6 बड़ चमच घी को हल्का गरम करके रखी से 3 चमच मैदा को देदे। एवं मैदा को दे सारा पर भल भाव गोल एवं यार गोटे पतला पेस्ट बन नौ। मैदार पेस्ट भी रेडी हो गला। एबे गोटे बड़ जगार मैदा चकटा को देखिए बेली नवा। आपण किचन स्लाब को क्लीन करके बेली पारे। रखि दुईटी जाक मैदार चकटा को अल्प अल्प मैदा डस्ट को देकी बेली नवा। देखंतु मैं केमती पतला पतला आउ टिके बड़ रखिकी बेली नहीं आ सब रुटी उड़ी को समान भाव रे बेली नेबे। वर्तमान गोटे प्लेन रुटी को एथे रखिकी मैदार पेस्ट को देकी सब पाखरे लगे नौ। तो एबे तापरे गोटे कलर रुटी को दे दोची एवं पूर्व रुटी सहित टिके समान कर नौ। तापरे मध्य मैदार पेस्ट को देकी चारिआड़े लगे नौ एवं तापरे आ गोटे प्लेन रुटी को दे दोची एवं तापरे मध्य अल्प मैदार पेस्ट को देकी सब पाखरे लगे नौ। एवं तापरे पुणी आ गोटे कलर रुटी को दे दोची। रुटी को दे सारला परे पुणी तापरे आ किछि पेस्ट को देकी सब पाखरे लगे नौ। वर्तमान या को टाइट करके गोटे पाखर एमती फोल्ड कर नवा।
फोल्ड करने ला पोरे तार एंड को भल भाव मिसे नवा नहले ये खोली जीवो तापोरे यार दुई पाख को टिके काटिके साइज कर नवा साइज कर नेला पोरे याको गोटे इंच लेखाएं गैप रखिके इबे काटि नवा एठी मु सब गुड़ी को गोटे इंच लेखार गैप रखिके काटि नै छी तो एबे मु याको गोटे प्लेट को बाहर कर नउ छी एथिरु गोटे पीस नेकी टिके प्रेस कर नेबे एवं हल्का हाथ रे दुई पटा साइड को बेली नेबे मझी को बेली बेनी नहले तेल रे पड़ला परे लेयर गुड़ी को खोलिबनी देखंतु मु एठी गोटे बेली की रेडी कर नै छी तो से समान भाव रे मु सब गुड़ी को बेली की रेडी कर नउ छी एठी मु सब फेणी गुड़ी को बेली नहीं ची फेणी को छाणिया पूर्व मुता प्रथम सीरा प्रस्तुत करने भी सीरा पाई मु एठी गोटे मोटा और चौड़ा जगह को गैस रे बसई दे छी एबे सेथिरे दुई गिना चीनी को दे दउ छी एवं गोटे गिना पानी को दे दउ छी पानी को दे सल्ला परे चामच को मार नबा एवं चीनी मेल्ट होवा परे हाई फ्लेम रे याकु फुटिबा पई छाड़ दबा किसी समय पर सीरा भल भाव फुटिगला तो या चेक कर नौचे सीरा को छत मिनिट हाई फ्लेम रे फुटे नेला देखु सीरा को हाथ में धरले एमती गोटे तार आसमी गोटे तार आसे जानवे कि आपण सीरा रेडी वर्तमान गैस को अफ कर नौचे तो वर्तमान बेलिकी रखी फेणी गुड़ी को छाणी नवा से मु गोटे कड़े किसी रिफाइन तेल को देकी लो फ्लेम गरम कर नहीं आ से लो फ्लेम रे रखी कि फेणी गुड़ी को सेथरे दे दउची तेल रे देखी याकु टिके मझरे मझरे एपट सेपट कर नउथिबे एवं दुई पाख को भल भाव क्रिस्पी हो जाए छाण नेबे यार दुई पाक एपट सेपट करके छत मिनिट लो फ्लेम रे तेल रे पकई नेला ये होगला तो बर्तमान या काढ़ी नौचे एवं बनईकी रखी शिवर दे दौर शिवर देखी या भल भाव गोल नवा जमीती फेणी रे शिरा भल भाव सुखीज सीरा रे देला परे याकु सीरा रु जल्दी बाहर करने बे बेसी समय रखिले ये सॉफ्ट हो जीवो तो याकु मु एबे गोटे प्लेट को बाहर कर नउची बाकी थिबा फेणी गुड़ी को मध्य मु गरम तेल रे देके छाणी नउची एवं आकु मध्य सीरा रे पकई नउची एबे रेडी हे गला आमर खजा बा फेणी देखु फेणी के क्रिस्पी होती एवं तार सब लेयर गुड़िकर सीरा के भल भाव सुखी आपण ये प्रोसेस रे फेणी घरे बनईकी निजे खातु एवं आपण पर समस्त को खुआतु आदि मो भिडटी आपण मानक भल लगी थाए तो भिडियो को लाइक करूँ सेयार करूँ और मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ।